मथुरा गेट थाना क्षेत्र में स्थित विश्वकर्मा कॉलोनी में चोरों ने सुने घर में वारदात को अंजाम दिया। मकान का ताला तोड़कर जेवरात वो करीब 15,000 रुपए नकदी चोरी कर ले गए। जिस समय वारदात हुई परिवार हाथरस शादी समारोह में गया हुआ था। विश्वकर्मा कॉलोनी निवासी जगदीश सैनी ने बताया कि वो परिवार सहित हाथरस में शादी समारोह में गए थे। मकान का ताला लगा हुआ था। जब वापस आए तो मकान का गेट का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो अलमारियां खुली पड़ी थी और सारा सामान बिखरा हुआ था। अलमारियों से सोने के गहने वो 15,000 रुपए कैश चोरी हुआ है। मामले का पता लगते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल की। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। वही परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मैं उनकी पत्नी नीरू बोल रही हूँ। मेरे घर में चोरी हो गई है। मैं अपने पियर गई थी शादी में, बच्चे भी गए थे, पति भी गए थे और अज्ञात लोगों ने मेन गेट का दरवाज़ा भी तोड़ा, कमरों का दरवाजा भी तोड़ा और अलवारी के 3 लॉक हैं उनको भी तोड़ा था और उसमें चांदी की और नकदास भी रखा हुआ था, जिससे मैं अपने 2 बच्चों की शादी होने वाली थी। अभी 4 महीना तो थी, 4 महीने बाद ही शादी करने वाली थी। सारा जीवन ले गए, सारा जीवन ले गए और मेरे पति मजदूर है, बताओ मैं कैसे करूँगी। मेरा तो नकदास जी भाई मतलब ये विश्वकर्मा कॉलोनी निवासी जगदीश सैनी, इनके घर पर 2 बच्चों की शादियां थी जिसमें इन्होंने अपना कैश वगैरह और सोने चांदी की चीजें इकट्ठी भी कर रखी थी, जिसमें कुछ ये लोग शादी में गए हुए थे तो कुछ अज्ञात चोर रात को आकर इनके घर का ताला तोड़ा है। उसमें से इनके सोने चांदी की चीजें, बाकी सारा सामान ये सब लोग ले गए। ये गरीब मजदूर आदमी है, बड़ी मेहनत से बड़ी अपने उससे उन्होंने सब सामान अपना बनाया था, जिसमें आज इनके घर कुछ भी नहीं बचा है।